किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं के पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए पानी बहुत आवश्यक है। हमारे देश में गेहूं की कम पैदावार के अनेक कारण हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण समय पर सिंचाई का न होना भी है, या गलत समय पर गलत ढंग से सिंचाई करना है। गेहूं की सिंचाई की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसे पहचानकर हमें गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। आज हम गेहूं की उन्हीं अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। किसान भाइयों, गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए लगभग 40 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो जाड़ों की वर्षा, भूमि में उपलब्ध पानी तथा सिंचाई से पूरी होती है। गेहूं में पानी की भरपूर पूर्ति के लिए साधारणतः 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं की सिंचाई कब की जाए, यह मिट्टी में उपलब्ध जल की मात्रा, पौधे को जल की आवश्यकता तथा जलवायु पर निर्भर करता है। गेहूं में सिंचाई की कुल 6 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें पहचान कर हमें सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन पर, यानी पौधे में मुख्य जड़ बनते समय करनी चाहिए। गेहूं की दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन पर, यानी कल्लों के विकास के समय करनी चाहिए। गेहूं की तीसरी सिंचाई बुआई के 65 से 70 दिन पर, यानी तने पर गांठ बनते समय करनी चाहिए। गेहूं की चौथी सिंचाई बुआई के 90 से 95 दिन पर, यानी पौधे में फूल आते समय करनी चाहिए। गेहूं की पांचवी सिंचाई बुआई के 105 से 110 दिन पर, यानी दाने में दूध बनते समय करनी चाहिए। गेहूं में छठवीं सिंचाई बुआई के बाद 120 से 125 दिन पर, यानी बाली में दाना सख्त होते समय करनी चाहिए। किसान भाइयों, उचित मात्रा में पानी उपलब्ध होने पर उपयुक्त सभी अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सीमित सुविधाएं हैं वहां पर गेहूं की सिंचाई किस तरीके से करें, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, यदि पानी केवल एक सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो यह सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन पर, यानी मुख्य जड़ के विकास के समय करनी चाहिए। यदि पानी दो सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय तथा दूसरी सिंचाई फूल आते समय करनी चाहिए। यदि पानी तीन सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय, दूसरी सिंचाई तने में गांठ बनते समय तथा तीसरी सिंचाई दाने में दूध बनते समय करनी चाहिए। यदि चार सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय, दूसरी सिंचाई तने में गांठ बनते समय, तीसरी सिंचाई बाली निकलते समय, चौथी सिंचाई दानों में दूध बनते समय करनी चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार गेहूं की अवस्थाओं को पहचान कर समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि गेहूं में सबसे ज़्यादा नुकसान मुख्य जड़ के बनते समय सिंचाई न करने से होता है। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।